मेघनाथ और कर्ण में कौन था सबसे शक्तिशाली? अगर दोनों महायोद्धाओं में युद्ध होता तो किसकी होती जीत? क्या सूर्यपुत्र कर्ण मेघनाथ को हरा सकते थे? दो महान योद्धा जिनकी शक्तियां असीम थीं और इनसे युद्ध करना खुद देवताओं को भी भारी पड़ता था। कांप जाते थे देवता भी इनका नाम सुनकर। वैसे यह दोनों ही योद्धा अपने अपने काल के एक महान योद्धा थे। वैसे इन दोनों योद्धाओं का कभी आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे और कौन था इन दोनों में सबसे शक्तिशाली। दोस्तों, रामायण काल में इंद्र को भी जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाथ और वहीं दूसरी तरफ महाभारत काल के सूर्य पुत्र कहलाने वाले दानवीर कर्ण, तो इन दोनों का अगर मुकाबला होता तो किसकी विजय होती? क्या मेघनाथ कर्ण के कुंडल और कवच तोड़ सकते थे? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेघनाथ और सूर्यपुत्र कर्ण में कौन था सबसे अधिक शक्तिशाली। दोस्तों, कहते हैं कि मेघनाथ के पास वरदानों की शक्ति थी। वह एक मायावी राक्षस था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाथ को एक नहीं अनेकों वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त थे। 12 साल की उम्र होते होते मेघनाथ ने अपनी कुल देवी माता निकुम्बला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारे दिव्य अस्त्र और मायावी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। कहते हैं कि मेघनाथ ने मौन व्रत रहकर कई वर्षों तक बिताए थे और उसी से भगवान शिव के उन्हें दर्शन भी हुए थे। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां, मायावी सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियां प्रदान की थी और उन्होंने मेघनाथ को यह वरदान भी दिया था कि तुम्हारी मृत्यु उसके हाथों होगी जो कभी 14 वर्षों से सोया ना हो और 14 वर्षों तक ब्रह्मचार्य का पालन किया होगा। इसके अलावा तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता और ना ही कोई तुम्हारा वध कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मा जी से भी यह वरदान प्राप्त था कि जब तुम आपातकालीन में देवी निकुम्बला का हवन करोगे तब तुम्हें उस यज्ञ से एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। जब तक तुम उस रथ पर बैठकर युद्ध करोगे तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारा वध कर पाएगा। परंतु तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि जो भी बीच में उस यज्ञ का विध्वंस कर देगा वही तुम्हारे वध का कारण भी बनेगा और साथ ही साथ उसे स्वर्ग को जीतने पर ब्रह्मदेव ने यह वरदान भी दिया था कि आज के बाद मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं दोस्तों, हम दानवीर महारथी सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो कर्ण को जन्म से ही उन्हें दिव्य कुंडल और कवच प्राप्त हुए थे जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव ने दिए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कुंडल और कवच अभेद्य थे। बड़े से बड़ा योद्धा उन्हें तोड़ने में असमर्थ था। कुंडल कर्ण को फुर्तीला और शक्तिशाली बनाए रखते थे और कवच हर एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से कर्ण की सुरक्षा करता था। दरअसल कुंडल और कवच दोनों ही अमृत से निर्मित हुए थे, जिससे कर्ण को सीधे तौर पर हरा पाना नामुमकिन था और इन दोनों का सिर्फ वरदान के दम पर युद्ध होता तो बहुत ही भीषण युद्ध होता और यकीनन मेघनाथ अपनी तांत्रिक विद्या और शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर सकते थे। परंतु कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाथ के पास मायावी तांत्रिक शक्तियों में कर्ण के कुंडल और कवच भी उन्हें नहीं बचा सकते थे। इन आकलन से तो मेघनाथ की जीत होती। अब बात करते हैं दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का। अगर मेघनाथ की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य जी से विद्या सीखी और उन्हीं के बल पर त्रिदेवों से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। वैभव अस्त्र, नाग अस्त्र, नांग फास अस्त्र, वज्र अस्त्र। इसके अलावा दोस्तों, मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो नारायण अस्त्र,
ब्रह्मास्त्र, पशुपता अस्त्र, वैष्णव अस्त्र को भी धारण करते थे। वही मेघनाथ ने स्वर्ग के सभी देवताओं को हराकर उनके अस्त्र और शस्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, उन्हें असुर गुरु शुक्राचार्य ने 7 महायज्ञ की दीक्षा दी थी, जिसमें से एक यज्ञ करना बड़ा ही कठिन था। और कहा जाता है कि मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो बड़े से बड़े यज्ञ को सफल कर पाए थे। इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान शिव और मेघनाथ ही संपन्न कर पाए थे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण भी उन योद्धाओं में शामिल है जिन्होंने वैष्णव यज्ञ किया था। और महाभारत में बताया गया है कि कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी, जिसके चलते परशुराम जी ने उन्हें अनेकों शक्तिशाली दिव्य अस्त्र दिए थे। उनके पास महाअस्त्र थे, जैसे कि वैभव अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। वहीं उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जो कि उन्हें स्वयं इंद्रदेव ने दिया था। दरअसल यह अस्त्र इंद्रदेव ने कर्ण को उनके कुंडल और कवच के बदले में दिया था, और अमोघ अस्त्र का उपयोग सिर्फ कर्ण एक बार ही कर सकते थे। और जिसका नाम लेकर उस अस्त्र का प्रयोग करते, उसकी मृत्यु निश्चित होती। साथ ही इन सब दिव्य अस्त्रों को चलाने के लिए परशुराम ने उन्हें विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्य अस्त्रों की दूरी और क्षमता और बढ़ जाती थी। वहीं दोस्तों, अगर मेघनाथ और कर्ण का मुकाबला दिव्य अस्त्रों के बल पर होता, तो दोस्तों मेघनाथ के हर एक दिव्य अस्त्र का तोड़ कर्ण के पास लगभग मौजूद था। अगर इसके बावजूद भी मेघनाथ का कोई भी अस्त्र कर्ण को लगता, तो उसका कुंडल और कवच उन्हें अवश्य बचाता। ऐसे में दोस्तों, दिव्य अस्त्रों की अगर बात करें तो कर्ण की जीत होती। दोस्तों अब बात करते हैं मेघनाथ और कर्ण के आखिरी रण कौशल की। जब देवासुर संग्राम के समय रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए और साथ ही साथ रावण को सुप्त अवस्था में ही बंदी बनाकर भी ले गए। तभी पीछे से मेघनाथ ने अपने दिव्य रथ पर बैठकर देवताओं पर आक्रमण किया। उस समय सेनापति कार्तिकेय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाथ को वह भी नहीं हरा पाए। मेघनाथ ने ना कि देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया और उसने स्वर्ग को भी जीता। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत भी दिलाई थी। वह लंका का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों मेघनाथ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पराजित हुआ था, और वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथों हुई थी। तो वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि प्राप्त की थी, वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र महारथी दानवीर कर्ण थे। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा में आर्यव्रत के सभी राजाओं को हराया था, द्रुपद जिसे कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में हराया था, और कर्ण ने अकेले ही भगीरथ को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के भी होश उड़ा दिए थे। भंती भूमि जहाँ पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे डरते थे, यहाँ तक महाभारत युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वह तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तब कर्ण को हरा पाए और कर्ण का वध संभव हो पाया। और युद्ध होने से पहले ही इंद्र ने कर्ण से उनका कुंडल और कवच मांग लिया था, इसी की वजह से कर्ण की मृत्यु भी हुई थी। अब अगर इस आकलन को देखें, तो इसमें वरदान और दिव्य अस्त्रों की संपूर्ण शक्ति से मेघनाथ और कर्ण का युद्ध होता, तो संभव था उस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे और दोनों के पराक्रम के बारे में तो सभी ने सुना होगा।
साथ ही दोनों योद्धा वो थे जिन्होंने भगवान विष्णु के बाद वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था, इसीलिए अब इस आकलन में दोनों ही बराबर रूप से देखे जा सकते हैं।